साथियों नमस्कार, हरियाणा अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना पत्रकार जितेंद्र जोनी। साथियों, जिस प्रकार से कनाडा में व्यापारी भाइयों ने धरना, अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था, वो धरना लगातार चौथे दिन भी आज चल रहा है। आज उसी के बीच में गांव गुडासे सरपंच, पंच और ग्राम पंचायत अपना समर्थन देने इस धरने में पहुँची है। देखिए यह रिपोर्ट। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज आप यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे आए हुए हैं जी, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हरियाणा अपडेट चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दूसरा ऐसा है कि जो हमारे ये दुकानदार भाई हैं, 154-155 दुकानें जो आ रही हैं, तो मैं गवर्नमेंट को इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इसका किसी न किसी तरह समाधान निकाल के इन दुकानों को बचाया जाए ताकि इनके परिवार की रोजी रोटी बच सके। आज कितने सालों से इन दुकान पर निर्भर हैं और अपने परिवार को रोजी रोटी कमा करके अपना गुजारा कर रहे हैं, जिसमें मेरे गांव की भी लगभग 20 दुकानें हैं। तो मैं इसके माध्यम से सरकार से, जो भी प्रशासनिक अधिकारी इसको डील कर रहे हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ इन दुकानों को बचा करके और जो भी अपने सेशन कोर्ट का जो है वो अपना निर्माण करें। हमने उस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट बढ़ाओ, यहीं पर बढ़ाओ कनाडा में, बहुत अच्छी बात है। हम उस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं है। हम इस चीज़ की आवाज़ उठाना चाह रहे हैं कि हमारे इन दुकानदार भाइयों की दुकानें यहाँ की रहनी चाहिए ताकि इनके बच्चों का गुजारा हो सके। आज यहाँ से उठाएंगे तो इनके परिवार तो उजड़ गए। कई कई दुकानदार तो ऐसे भाई हैं जो अपना 100-200 कमा करके इस दुकान के सहारे अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं, तो कल वो क्या करेंगे? वो बच्चे तो रोड सड़क पर आ जाएंगे। मैं दोबारा फिर इसी चीज़ का अनुरोध करता हूँ कि इन दुकानों को बचाया जाए ताकि इनके परिवार की रोजी रोटी बनी रहे, अपने बच्चों को कमा खिला के अपना गुजारा कर सके। धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम क्या है जी? अवतार चंद पंच। आप कौन से गांव से हो? गुड़ा। इनके बारे में क्या कहेंगे जी आप? इनके बारे में हमारा ये विचार है कि यहाँ पर ही कोर्ट रहना चाहिए और जो सामने ये दुकानें हैं इनको नहीं हटाया जाए, यहाँ पर ही रहनी चाहिए। इनका यहीं पर गुजारा होता है, इन्हीं की वजह से इनका गुजारा हो रहा है, परिवार पल रहे हैं। बाकी हटाने की वजह से इनका परिवर्तन, घर का परिवार का समाधान खराब हो जाएगा। तो हमसे यही अनुरोध है कि ये दुकानें भी और कोर्ट भी यहीं पर रहना चाहिए। धन्यवाद जी।